गुड इवनिंग वेलकम टू अन अकेडमी कैसे सब बच्चे आवाज़ आ रही है? हाँ बच्चो बता दो आवाज आ रही है नहीं आ रही है अरे यार अनवाइटेड गेस्ट काफी आए हैं आज इनको थोड़ा तो भगाना पड़ेगा बॉट आ गए हैं बहुत सारे है ना बच्चों? बॉट्स बहुत सारे आ गए हैं यस हाउ आर यू कैसे हैं ऑडियो ऑडिबल विजिबल वेरी गुड तो टुडे बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन द सेम यूनिट दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है आपने कल निपटा लिया था आज अपने नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन अब एक सेल के दो हिस्से दो से चार चार से आठ आठ से सोलह ये हिस्से कैसे हो रहे हैं आज हम देखेंगे, देखेंगे कितने टाइप्स की डिवीजन है आज हम देखेंगे क्या फेजेस हैं आज हम देखेंगे कितने यू नो टाइम लगता है इसमें प्लांट में कैसे होती है एनिमल में कैसे होते ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो हमारा छोटा चैप्टर बट बच्चों को समझ आने में ना इसमें बड़ा टाइम लग जाता है डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्रोमोसोम डबलिंग हाफ ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लेकिन बेटा मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि इस चैप्टर को तीन दिन आज का कल का परसों का यानी कि सैटरडे को ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त अब सैटरडे को बेटा चैप्टर समाप्ति के बाद अपने लोग मिलने वाले हैं किसके साथ अपने लोग मिलने वाले हैं बेटा बेस्ट बेस्ट नॉलेज के साथ ऑफ दिस चैप्टर देखो इसके दे एनसीआरटी में भी तीन चार ही पेज है लेकिन हम पढ़ने में बच्चों को लगता है यार, कैसे याद होंगे तो आज हम इसको इतना सिंपल बना देंगे इतना सिंपल कि तुम मैं ये तो कोई चैप्टर ही नहीं था ये तो ऐसे ही था तो ऐसा ही होगा सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेल साइकिल एंड सेल डिविजन जो जो एक्साइटेड है इसके लिए फटाफट फ़ड़ से सेशन को कर दो लाइक हाँ कर दो यस <laughs> yes. ठीक है फटाफट फ़ड़ से कर दो यार हा ये काश ये जो बॉट कमेंट कर रहे हैं काश ये बॉट यू नो लाइक भी कर देता तो हमारा कुछ भला हो जाता है सिर्फ ये कॉमेंट करने आ रहा है ये वो नहीं कर रहा ठीक है कमेंट करने आता लाइक नहीं करता भैया चलो क्या कहे बॉट ने कौन सा पेपर देना है नीट का पेपर तो हमने देना है तो हम ही कॉमेंट कर लेते हैं हम ही लाइक कर देते हैं है ना भैया बच्चों चलो दलाई को तुम मुझे अपनी बता दो कि हाँ हाँ मैम हम बने हुए सेशन में हम बिल्कुल एक्साइटेड बाय लाइकिंग द सेशन क्योंकि यार ये मुझे तुम्हारे कमेंट मुझे लगता है आज पढ़ने देगा जब भी क्लास का पहला दिन होता है ना चैप्टर का पहला दिन होता है भीड़ आ जाती है और भीड़ सिर्फ बच्चों की नहीं आती बॉट्स की भी आ जाती है <coughs> इनका खात्मा करता। कराती हूँ मैं तुम रुको चलो जी अभी हो जाएगा हाँ हाँ जी बेटा एक्साइटेड शुरू करें स्टार्ट साथ ही बेटा एक बात बताओ तुम लोग मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ क्या आपको इसके बारे में पता है री बिग टेस्ट दैट इज अन अकेडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो हर बच्चे को देना है तो चैप्टर शुरू होने से पहले मैं बता दू बेटा ये टेस्ट तुम मुझसे पढ़ते हो ना तो तुम्हें देने ही देना है बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ तुम लोग कहाँ स्टैंड करते हो लाखों बच्चे इस टेस्ट को देने वाले है। आने का वो क्या कहते हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का टॉपर भी देने वाला है मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें तुम समझ गए होगे कि क्यों नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का टॉपर भी देने वाला है तो इसमें बहुत सारे प्राइजेस हैं हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप है तुम लोग बोलते हो फीस ज्यादा है फीस ज्यादा बेटा यहाँ पर फ्री हो जाएगा तुम्हारा <laughs> बिल्कुल फ्री हो जाएगा स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में है आपको मिलने का मौका एंड साथ में एटींथ एंड फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहा है पता क्या हो रहा है बच्चों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहा है साथ ही में मैं आपको एक बात बताऊं लेट मी टेल यू वन मोर थिंग एंड ऑन संडे आई एम कमिंग टू नोएडा यस मैं यही रहती हूँ बट फिर भी आई एम कमिंग टू नोएडा सेंटर टू मीट यू अब तुम लोग तो मुझे घर नहीं आओगे तो बेटा अपने लोग मीट करने वाले हैं कहां पर वी आर गोइंग टू मीट एट एन अकेडमी सेंटर सेक्टर 62 में बेटा ये अपना सेंटर है बहुत अमेजिंग बना हुआ तुम आके देखो यार यू आर गोइंग टू लव इट सैटरडे को सुबह ग्यारह बजे सॉरी संडे को सैटरडे नहीं है कब है संडे को बेटा सुबह ग्यारह बजे अपने लोग मिलने वाले हैं तो जो जो मिलने आ रहा है टेलीग्राम पर मैंने एक फॉर्म शेयर किया है उसको प्लीज भर देना है आ जाना यार बीट प्लस स्टूडेंट या यूट्यूब स्टूडेंट हो आई वॉन्ट मैक्सिमम बच्चे मिलने आए ठीक है बिकॉज मुझे यू you नो know, मैं कैमरे को पढ़ा पढ़ा के थक गई हूँ ना आई वॉन्ट टू टीच रियल किड्स ठीक है सामने तुम हो तो मुझे पता चलेगा कि यार There is so, दिल्ली नोएडा फरीदाबाद सब बच्चे आ सकते हैं इसमें बहुत नजदीक है बहुत ही अप्रोचेबल uh, you know, एरिया है मेट्रो पहुंचती है इस सेक्टर तक आप जाइए मेट्रो में सेक्टर 62 पे प्रॉपर मेट्रो स्टेशन है उतरिए पांच रुपए का रिक्शा करिए और यहां पर आ जाइए ठीक है ग्यारह बजे संडे को नोएडा सेंटर में सब बच्चे आने चाहिए ओके <coughs> हाँ अब शुरू करते हैं नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट चैप्टर जिसका नाम है बेटा बॉट भी पढ़ रहा है हमारे साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है है कि नहीं बॉट इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद विच इज अ रियली गुड थिंग ठीक है हाँ जी सबसे पहले देखते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन की परिभाषा क्या है हिंदी में आपको याद होगा अपने लोग बड़ी परिभाषाएं लिखते थे है ना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की परिभाषा क्या है क्या मतलब है बेटा ये वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इसमें बड़े सारे इवेंट आएंगे इवेंट वन टू स्टेज वन टू जिसमें सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है यानी कि जो उसके पास डीएनए है उसकी डुप्लीकेशन कर रहा है अपने अंदर जितना कंटेंट है उसको डुप्लीकेट कर रहा है और एक सेल अपना नंबर बढ़ा रहा है यानी कि अपने से पेरेंट से डॉटर सेल बनते जा रहे हैं तो यार ये क्या है साथ साथ बोलेंगे बेटा एनसीआरटी की लाइन है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल ने क्या किया अपने जिनोम को मल्टीप्लाई किया या फिर मैं बोलू डुप्लीकेट दो कॉपी बना ली जिनोम को क्या किया बेटा डुप्लीकेट किया और बड़ा सारा सामान बनाया सिंथेसाइज़ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट देखो भैया सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो एक सेल से मुझे बनाने हैं और डॉटर सेल वो दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं अब यार मुझे अगर एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनाने हैं तो डॉटर को देने के लिए कुछ बनाओगे भी तो जैसे बेटा शादी करते हैं शादी करते हैं तो पेरेंट अपने डॉटर को देने के लिए कुछ तो मतलब ही कलेक्ट समथिंग ही वॉन्ट्स टू गिफ्ट समथिंग तो यार देख हमें कुछ बनाना पड़ेगा तभी हम आगे वाली जनरेशन को दे पाएंगे वैसे ही बेटा ये भी एक पेरेंट है जिसको अपनी डॉटर सेल को देने के लिए सामान बनाना है तो जिन इवेंट्स में वो सामान बनेगा उसमें जिनोम चाहिए डॉटर को उसमें उसका चाहिए चाहिए सब कुछ बंटवारा करना पड़ेगा अपने अपने को को तो वो जो सीक्वेंस ऑफ ऑफ इवेंट्स इवेंट्स है इन को बेटा अपने लोग क्या बोलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन बोलते हैं और इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में सिंथेसाइज करने के बाद सेल बेटा डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके क्या बना लेगा टू डॉटर सेल्स क्या बना लेगा बेटा टू डॉटर सेल यानी कि एक ये तुम्हारे पास सेल था ये पेरेंट सेल है क्या है पेरेंट सेल है पेरेंट <coughs> सेल आगे डिवाइड होके दो डॉटर सेल बन गया अब बेटा सेल साइकिल एक वो टाइम पीरियड है जब नया डॉटर सेल बना और उसकी फर्दर डिवीजन हुई बेटा ये अपनी फर्दर डिवीजन अपनी जिंदगी में आगे चला जाएगा तो तुम समझ रहे हो सेल डिवीजन सिर्फ सेल का डिवाइड होना नहीं है सेल डिवीजन में सेल डिवाइड भी हो रहा है और अपने लोग सेल डिवीजन में ये वाला टाइम भी काउंट कर रहे हैं कि जो डिवाइड होकर डॉटर बनी वो भी आगे डिवाइड होएगी सो सेल सेल डिवीजन इंक्लूड्स द द द टाइम पीरियड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ डॉटर ये देखो फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल एंड देयर फर्दर डिवीजन कि डॉटर सेल बनी और उसकी फर्दर डिवीजन भी तुम बीच में ले लोगे इस पूरे इवेंट को यहां से यहां तक ये देखो मैं यहां पे लिखने वाली हूं आई एम गोइंग टू मार्क फ्रॉम हियर यहां से यहां तक डिवाइड भी किया और इसकी फर्दर डिविजन हुई इस पूरे टाइम को तुम लोग क्या बोलते हो इस पूरे टाइम पीरियड में आ जाता है अपना सेल साइकिल या फिर सेल डिविजन समझे बच्चों तो सिर्फ डिविजन पे रुकना नहीं है यहां पे रुक नहीं जाना है कि बस सेल डिवाइड हो गया चलो जी सेल डिविजन हो गई नहीं यू हैव टू वेट टिल द डॉटर सेल फर्दर डिवाइड दिस होल इवेंट दिस होल टाइम पीरियड दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल क्या ये बात समझ आ गई जी सब बच्चे बताओ बात समझ आई यहां पे रुकना नहीं है यहां तक तुमको पहुंचना है अब ना हर के लिए अलग है <coughs> बेटा तुम्हें पता है मैम का गला अभी भी हंड्रेड परसेंट ठीक नहीं है मुझे लग रहा है मुझे किसी प्रोफेशनल को दिखाना पड़ेगा है ना प्रोफेशनल को दिखाना पड़ेगा ओके प्रोफेशनल को दिखाना पड़ेगा एनीवे सो इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये जो टाइम है ना बेटा वो अलग है हर एक के लिए अलग है ह्यूमन के लिए अलग है बैक्टीरिया के लिए अलग है ईस्ट के लिए अलग है अब किस किस के लिए अपने को याद रखना है सबका तो याद नहीं रख सकते ह्यूमन में बेटा एक सेल डिविजन को होने में कितना टाइम लगता है एक दिन है ना कितने चौबीस घंटे Is the time required to divide one cell. बड़ा स्लो है में स्लो है में लेकिन अगर बेटा मैं यीस्ट में देखूं तो इसको लगते हैं नब्बे में एक पेरेंट ईस्ट सेल से दो डॉटर ईस्ट सेल बन जाते हैं तो ये आपको डेटा दिया हुआ एनसीआरटी ने तो अपने ने याद रखना है अब बेटा सेल साइकिल के अंदर कितनी स्टेजेस आती है व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द सेल साइकिल इसके लिए बेटा आपने को बनाना पड़ेगा गोला गोला बनाने के लिए तुम लोग प्रकार वरकार मतलब क्या ना कंपास कंपास को प्रकार बोलते थे पता नहीं यार तुम्हें पता है नहीं हम लोग स्कूल में वही कंपास उसको प्रकार बोलते थे तुम लोग क्या बोलते हो यार हिंदी में मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं यस yes. हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते बट हम लोग इसे बोलते थे तो मैं बेटा अपनी प्रकार ले आई हूं कंपास आ गई है मेरी तो टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स इन द सेल साइकिल कौन कौन से इवेंट्स हैं ठीक है जी अब सबसे पहला इवेंट जो आएगा वो आएगा बेटा सेल को तैयारी करनी है किसकी तैयारी करनी है सेल को तैयारी करनी है डिवाइड होने के लिए तो जितना टाइम उसे तैयारी में लगेगा ये देखो ये बेटा जितना टाइम ये सारा टाइम तैयारी में है ये देखो दिस इज होल तैयारी ठीक है इस प्रेपरेटरी फेज को इस तैयारी वाले फेज को अपने लोग बोलते हैं इंटरफेज व्हाट डू वी कॉल दिस वी कॉल दिस फेज एज इंटरफेज लिख दू यस yes, इसको क्या बोलोगे बेटा तुम इंटरफेस और जब ये अपनी तैयारी पूरी कर लेगा क्लॉकवाइज चल लो भैया क्लॉकवाइज चल लो जब ये अपनी तैयारी पूरी कर लेगा तो फिर डिवाइड कर देगा डिवाइड करने वाले फेस को बोलते हैं अपने एम फेस तो पहला फेस क्या हो जाएगा इंटरफेस इंटरफेस में इतनी तैयारी की जैसे होता नहीं यार लड़कियों ने जाना होता है किट्टी पार्टी पे अब किट्टी पार्टी जो फंक्शन है वो डेढ़ घंटे का फंक्शन है लेकिन बेटा लड़कियां कुछ लड़कियां मैं अपनी बात नहीं कर रही देर आर सम लेडीज से तैयारी शुरू कर देती है से अब मैंने बाल धुलवा अब मैं नीचे ब्लो ड्राई करवाने जा रही हूँ एक घंटा लग रहा है दो घंटा लग रहा है यह डेढ़ घंटे की किट्टी के लिए चार घंटे तैयार हो रही है डेढ़ घंटे की किट्टी के लिए चार घंटे तैयार हो रही है तो वही बात है यार ये जो अपने चौबीस घंटे है चौबीस घंटे में से तेईस घंटे तो तैयारी चल रही है इंटरव्यू

सबसे पहले स्टेज बेटा प्रेपरेटरी जिसका नाम है इंटरफेस इंटरफेस पे तैयारी करनी है मेकअप वगैरह करा कराना है बाल बनवाने हैं सब कुछ करना है ठीक है तो इंटरफेस आल्सो कॉल्ड एज द प्रेपरेटरी फेज प्रेपरेटरी फेज इसको कितना समय लगा 95 फाइव परसेंट टाइम तो इसी को दे देते हैं तो 24 में से 23 घंटे दे दिए अपने इंटरफेस को बचा हुआ एक घंटा अपने एम फेज में जाते हैं जिसमें असली डिवीजन होती है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज और माइटोटिक फेज ठीक है इसको कितना समय देते हैं हम सिर्फ फाइव परसेंट समय देते हैं अब बेटा इंटरफेज है इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फेजेस इसके आगे बेटा तीन फेजेज है ग्रोथ वन फेज गैप वन फेज जी वन एस एंड जी टू क्या है इंटरफेज में जी वन एस एंड जी टू एम फेज भी आगे दो तरीके का है ये It involves division of nucleus, which is called as the karyokinesis. Also, it involves a division of cytoplasm, which is called as the cytokinesis. This word is not for you. Kinesis means divide. Karyon ka means nucleus. So, when nucleus divide, ga, that is, children Now, karyokinases is further divided into four phases: prophase, metaphase, anaphase, and समझे तो ये अपने ने सेल साइकिल में देखना देखना है क्या क्या फेस इंटरफेज के बाद पूरा आ जाएगा आपका एम फेज साथ साथ में मैं तुम्हारी एनसीईआरटी -E लेके चल रही हूं उसके बिना तो क्योंकि बात ही नहीं है यहां देख लो भैया ये तुम्हारा पाई चार्ट बन गया सेल साइकिल का ये सारा तैयारी फेज है दिस इज ऑल प्रेपरेशन इस तैयारी फेज को हम क्या बोलते हैं <laughs> हम क्या बोलते हैं बेटा इसको वी कॉल दिस एज प्रोफेज है ना Yes. इस वाले फेस को बेटा क्या बोलते हैं इंटरफेस हाँ जी और उसके बाद बेटा फेज है इंपॉर्टेंट है. तो है, है. है क्या है बेटा दिस ऑर्डर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जिस ऑर्डर में आपको लिखना है सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले तैयारी वाला आएगा जी वन जी वन के बाद आएगा एस देन जी एंड देन आएगा अपना एम जी वन टू जी टू क्या है बेटा प्रेपरेटरी फेज है ये क्या है इंटरफेज है और एम में एक्चुअल डिविजन हो रही है और ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता उल्टा नहीं चल सकते कि जी टू से पहले एम एस आ रहे हैं फिर जी वन पे जा रहे नो जी वन एस जी टू एम पहला क्वेश्चन तो बेटा यहीं से बन जाता है अपने आप में ये क्वेश्चन है जी वन एस जी टू एम ये एक तरीके का राइमिंग स्कीम है गाने की तरह चलना है क्या बोलोगे बेटा जी वन एस जी टू एम लैग हो रहा है क्या ंग मुझे नहीं लगता यार बताओ फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से बेटे सेशन को लाइक करके बताइए इतना समझ आया ऑर्डर समझ आया सबको जीवन एस जी टू एम का यस <coughs> yes. जीवन बता दो मुझे तो लैग नहीं दिख रहा यार तुम लोग झूठ बोलते हो क्या मुझे जस्ट अ सेकेंड बेटा पुलिस कौन सी आ गई है जस्ट अ सेकेंड बेटा ये आ, बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है यार एक मिनट बच्चों एक मिनट जस्ट रुक जाइए ओके यस एनी वे द टीम विल डू इट ओके अपने लोग फोकस करते हैं यार पढ़ाने पर कोई लैग नहीं है बेटा देर इज नो लैग मैंने चेक कर लिया ओके okay, गए बच्चों शुरू करते हैं बेटा पहले फेज से कहां से शुरू करेंगे फर्स्ट फेज से शुरू करेंगे है ना फर्स्ट फेज जो अपना है दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज यस पहला फेज बेटा कौन सा है इंटरफेस सब बच्चे बता दो यार एवरी वन इज विद मी टिल नाउ एवरी वन इज विद मी हां जी बता दीजिए फटाफट से सब बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं पहला फेज कौन सा है बेटा इंटरफेज है इंटरफेज इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज इसको क्या बोलते हैं बेटा अपने लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं या फिर इसको प्रेपरेटरी फेज भी बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज़, प्रेपरेटरी फेज ठीक है जी अब इंटरफेज को रेस्टिंग फेज इसीलिए बोला है इसका मतलब ये नहीं है बेटा सेल रहा है रेस्टिंग फेज का मतलब सिर्फ इतना है दैट द सेल इज नॉट डिवाइडिंग इट नॉट नॉट मीट दैट द सेल इज़ मेटाबोलाइजिंग ऐसा नहीं है बेटा सेल के अंदर की रिएक्शन होनी बंद हो गई है इसने डाइजेशन बंद कर दी है अपनी रेस्पिरेशन बंद कर दी है ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसको रेस्टिंग शब्द सिर्फ इसीलिए बोला है बिकॉज एट दिस टाइम द सेल बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आ भी चुका है नीट में ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चे सो, सोचते हैं इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज है तो शायद सेल मेटाबोलिकली इनएक्टिव होगा जबकि ये गलत है इनफैक्ट इनफैक्ट बेटा इंटरफेज के टाइम पर सेल तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इट इज द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ठीक है इट इज द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज इसको रेस्टिंग सिर्फ इसीलिए बोला है क्योंकि बेटा इस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है क्या इतनी बात समझ आई बताओ यस yes. अब ये जो फेज है जैसा कि तुमने इस डायग्राम में देखा इट इज द लॉन्गेस्ट फेज सबसे बड़ा है ना तो हम इसको लिख सकते हैं दैट दिस फेस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट फेज सबसे बड़ा बेटा फेज क्योंकि नाइन्टी फाइव परसेंट टाइम तो इसी में लग रहा है लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है बेटा आपका है इंटरफेस ओके okay जी अब ह्यूमन के अंदर इंटरफेस कितने समय का होगा मैंने नाइन्टी फाइव परसेंट बोला था ह्यूमन में सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे लगते हैं तो 24 घंटे यानी कि जो 23 घंटे हैं 24 आवर किसको हम डिनोट कर देंगे इंटरफेस को दे देंगे बचा हुआ 1 आर किसको देंगे बेटा बचा हुआ 1 आर किसको दोगे तुम एम फेस को दोगे ठीक है एम फेस को दोगे क्लियर है क्लियर है अब इंटरफेस में हो क्या-क्या रहा है भैया इंटरफेस में आगे तीन चीजें हैं क्या है G1 S एंड G2 ठीक है ये तीन फेज आते हैं इंटरफेस में फर्स्ट गैप फेज सिंथेटिक फेज एंड सेकेंड गैप फेज तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते G1 हां जी वन फेज जी, ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जी वन फेज ठीक है जी जी वन फेज जी को जी वन क्यों बोला क्योंकि फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोल सकते हो गैप वन फेज भी बोल सकते हो सो दिस इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैप वन फेज बच्चों ठीक है

कैन आई कॉल दिस फेज एजस्ट माइटोटिक फेज अगर सेल डिवाइड होता जा रहा है तो यहां पर पहले कौन सा आया एम एम के बाद ही जीवन आ रहा है तो क्या इसको पोस्ट माइटॉटिक फेज बोल सकते हैं ओके okay, जी बात समझ आ गई अब जीवन के बाद क्या आ रहा है सिंथेटिक फेज एस फेज जीवन के बाद आ रहा है तो क्या जीवन को हम प्री सिंथेटिक फेज नहीं बोल सकते कैन वी कॉल जीवन एज प्री सिंथेटिक फेज यस ये नाम भी दिया जा सकता है बेटा फर्स्ट गैप फेज को इट इज पोस्ट माइटोटिक क्योंकि एम के बाद आ रहा है एस से पहले आ रहा है तो प्री सिंथेटिक फेज अब बेटा जीवन यहां पे देख लो जीवन ने सबसे ज्यादा जगह घेरी हुई है पाई चार्ट में देखो नई एनसीआरटी में ये चीज बहुत फोकस करेंगे जिस बच्चे के पास पुरानी एनसीआरटी है उसमें आप देखोगे एस को सबसे ज्यादा जगह दी हुई है जबकि नहीं जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज का भी सबसे बड़ा जीवन है पूरे के पूरे सेल साइकिल का भी सबसे बड़ा जीवन है सबसे बड़ा जीवन है तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज द लॉन्गेस्ट फेज क्या रहेगा बेटा इट इज द लॉन्गेस्ट फेज किसका सिर्फ इंटरफेस का लॉन्गेस्ट फेज है नहीं बेटा इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस एंड ऑफ होल साइकिल पूरे के पूरे साइकिल का बेटा सबसे ज्यादा जगह हमने किसको दे दी है फर्स्ट ग्रोथ फेज को दे दी है तो मैक्सिमम स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द जीवन इट इज द लॉन्गेस्ट फेज अब इन कुछ सेल होते हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं वेरी फास्ट कुछ सेल होते हैं जो टाइम लेते हैं डिवाइड होने में भैया जो जल्दी डिवाइड करेंगे उनका जीवन भी छोटा होगा जो धीरे धीरे डिवाइड करेंगे मतलब दे आर टेकिंग लॉन्ग टाइम इन डिवाइडिंग उनका जीवन बड़ा होगा क्या ये बात समझ आई कि जो सेल बेटा फास्ट डिविजन है इस चीज को देखना द सेल विच अंडर गोज वेरी फास्ट डिविजन मतलब उनका सेल साइकिल बड़ी जल्दी खत्म हो जा रहा है तो इसी वजह से उनका जी वन जो है वो बड़ा शॉर्ट होगा है ना जी अब जो सेल बेटा लॉन्ग डिविजन शो करते हैं लॉन्ग डिविजन यानी कि एलसीएम मत निकाल देना लॉन्ग डिविजन का मतलब है जो सेल को टाइम लग रहा है डिवाइड होने में टाइम लग रहा है तो यार उसका जीवन उतना बड़ा होगा जी वन इज गोइंग टू बी लॉन्गर लेकिन ये याद रखना है कि अगर फास्ट डिविजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन पूरे सेल साइकिल में ही सबसे छोटा फेस हो जाएगा नहीं इस साइकिल के अंदर तो जीवन बड़ा है लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें ऑब्वियस बात है बेटा जो सेल जल्दी डिवाइड कर रहा है है ना उसका जीवन लंबे वाले से कम होगा सिंपल सी बात है बट येट जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ होल ऑफ द इंटरफेस एंड होल ऑफ द सेल साइकिल ठीक है जी ओके अब इस जीवन में हो क्या रहा है देखो यार सेल ने डिवाइड करना है ये सेल ने अपने से दो डॉटर सेल बनानी है तो समान तैयार करना है कि नहीं करना है डॉटर सेल बनाने के लिए बड़ा प्रोटीन लगेगा अमाइनो एसिड लगेंगे ऑर्गेनलीज को डुप्लीकेट करना पड़ेगा बड़ी एनर्जी भी चाहिए ए भी चाहिए जिसमें से बड़ा सारा काम आपका जीवन में हो जा रहा है तो क्या क्या हो रहा है बेटा जीवन में अमाइनो एसिड बन रहे हैं सो वट आर द इवेंट्स इन फर्स्ट ग्रोथ फेज सबसे पहले बेटा आपके पास आ रहा है अमाइनो एसिड फॉर्मेशन हो रही है क्या हो रही है अमाइनो एसिड फॉर्मेशन अब बेटा अमाइनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन भी तो बन जाएंगे प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी अमाइनो एसिड बहुत सारे बन रहे हैं प्रोटीन बन रहे हैं क्योंकि बेटा उसी से हम कोशिश करेंगे नया सेल बनाने की एनर्जी बनेगी इस टाइम पे बहुत सारे ए बनेंगे ठीक <laughs> है जी अब यार जब एक सेल से दो सेल मुझे बनानी है

ठीक है डबल डबल बना ली है लेकिन सारी नहीं है मैक्सिमम यहां पे बना लेते हैं बट नॉट ऑल ये जो सेमी ऑटोनॉमस है ना क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी ये तीनों आगे जाके अगले फेजेस में होंगी बाकी की बची सेल ऑर्गेनली सब यहीं पे कर लो ठीक है तो पता चल गया सबको जीवन के बारे में जीवन के बारे में मैंने आपको क्या बताया ये माइटोटिक फेज के बाद आता है और सिंथेटिक फेज से पहले आता है रिवाइज कर लो फटाफट ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ठीक है ये हमने बात की और जीवन में अगले वाले फेज की तैयारी हो जाती है अब एस में जाके डीएनए ने डुप्लीकेट करना था तो उसकी तैयारी हमने पहले कर ली न्यूक्लोटाइड यहां बना लिए एटीपी बना लिया प्रोटीन बना लिए और, और भी कुछ हमने डुप्लीकेट कर ली सारी डुप्लीकेट नहीं की है बहुत सारे बेटा प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो कि आगने वाले फेजेस में यूज होगा वो हमने यहाँ पे कर लिया है सो दिस इज अबाउट द जीवन फेज एक बार बता दो तो सब बच्चों को इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज समझ आया नहीं आया

क्या सेल डिवीजन है सेल डिवीजन अरे ये तो सीप में हमने करा दिया नोट्स देख लो जाके सारे नोट्स टेलीग्राम पे लिंक ट्री पे भी मैं इसके सेशंस से डाल दूंगी अभी वहां पे वन शॉट डाला हुआ है ठीक है बच्चों हाँ ठीक है बच्चों हाँ इतना क्लियर हो गया सेशन को लाइक कर दो फिर किसका इंतजार है फटाफट से सेशन को लाइक कर दो बेटा ओके जी मैं को क्लास लूंगी, हो सकता है इस बारे yes, <laughs> में टाइट करना है पेपर नजदीक आ गया है और मैं सोच रही हूँ तुम्हें अनसार्ट की प्रेपरेशन करा दू किस किस बच्चे ने अनसार्ट में अप्लाई कर लिया यहाँ पे लिंक डलवा दिया मैंने पिन कर दिया हेयर ठीक है अन अकेडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जिसने तो ये रहा जिसने तो बेटा एनरोल कर लिया कर लिया मैं सोच रही हूं बेटा ड्रॉपर और ट्वेल्थ क्लास का जो अनसेट है मैं प्रिपेयर करा दू तुम्हें बिकॉज मैं चाहती हूँ तुम्हें सारे प्राइज मिल जाए <laughs> मुझे लगता है तो सारे प्राइज मेरे बच्चों को मिलने चाहिए तो आई एम थिंकिंग लेट मी प्रिपेयर यू फॉर इट हु दिस रेज योर हैंड्स कौन चाहता है कि उनको प्रिपेयर करा दिया जाए क्योंकि सारे प्राइस तुमको जो बच्चे ने एनरोल नहीं किया उसको क्या प्राइस मिलेगा सबसे पहले तो जाके एनरोल करो कोड लगा देना क्या लगाओगे तुम्हें मेरा नाम पता है ठीक है नाम पता है क्या है सीपे आगे लगा देना लाइव तो एनरोल कर लो मैं सोच रही हूँ बेटा प्रेपरेशन करा दो ठीक है तुम लोग मुझे कमेंट में बताना अगर तो कमेंट आए अच्छे ज़्यादा तो बेटा मैं प्रेपरेशन भी करा दूंगी इसकी <laughs> पेपर नहीं बताऊंगी ये मत सोचना मैम चीटिंग कराती है मैम चीटिंग नहीं, नहीं कराती है देर शुड बी नो चीटिंग फ्रॉम माई एंड हाँ तैयारी करा दूंगी लेकिन चीटिंग नहीं कराऊंगी है ठीक okay. है चलो अब चलते हैं बेटा इंटरफेस के दूसरे फेज पे जिसका नाम है एस एस की फुल फॉर्म क्या है सिंथेटिक फेज अब बेटा एस फेज में कुछ ना कुछ बन रहा है खैर बन तो ग्रोथ फेज में भी रहा था बट एस में सबसे मेजर चीज हो रही है कि सेल को जब अपने ने डिवाइड करना होता है तो न्यूक्लियर कॉन्टेंट हमने यहां से उठा के इन दोनों को देना है ना पेरेंट सेल के पास जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो डॉटर सेल को देना है तो उसके लिए बेटा पहले न्यूक्लियर कंटेंट को डबल करना पड़ेगा जो डीएनए का कंटेंट है तभी तो बेटा बीस बीस दोनों को दोगे वो होता नहीं बेटा प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है और बराबर बराबर बंटवारा होगा तो पहले अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाएगा फिर उसका हम क्या करेंगे बाद में बंटवारा करेंगे चलो जी शुरू हो जाते हैं तो फेज में सबसे पहला इवेंट क्या है सबसे पहला इवेंट है बेटा कि अपने ने डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए कंटेंट दैट इज डीएनए रेप्लीकेशन सो द मेजर इवेंट हेयर इज गोइंग टू बी डीएनए एन रेप्लीकेशन अब इसका क्या मतलब है मान लीजिए बेटा ये एक सेल था मानना है आपको आज बहुत चीजें माननी है बेटा दिस इज वन सेल सेल के अंदर बेटा ये न्यूक्लियस है ठीक है जी ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है अब यार सेल के अंदर अभी तो सेल रेस्ट ही कर रहा है तुम्हें पता है रेस्टिंग स्टेज पे क्रोमोजोम तो दिखते ही नहीं है ये तो रेस्टिंग स्टेज है इंटरफेज है इंटरफेज में क्रोमोजोम नहीं दिखते हैं तो अभी क्या दिख रहा है अभी बेटा धागे दिख रहे हैं क्या दिख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो कितने क्रोमोजोम होते हैं वैसे एक सेल के पास 46 सिक्स क्रोमोजोम होते हैं कितने होते हैं बच्चा 46 क्योंकि हमारा 2n इज इक्वल टू क्या है 46 लेकिन अभी क्रोमोजोम नहीं दिख रहे हैं अभी धागे दिख रहे हैं इन धागों को क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड कितने धागे दिख रहे हैं फोर्टी सिक्स धागे दिख रहे हैं तो ये देख लो ये बेटा अपने पास इस तरीके के धागे दिख रहे हैं इन धागों को मैंने बोला है क्रोमैटिन थ्रेड क्या बोला है बेटा क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमोजोम नहीं दिखता है अभी यू वोंट सी एनी क्रोमोजोम ठीक है बट यू विल सी क्रोमेटिन थ्रेड्स कितने क्रोमेटिन थ्रेड्स बेटा 46 क्योंकि जितने क्रोमोजोम आगे जाके बनने हैं उतने ही ऐसे धागे बन जाते हैं ये बिफोर एस फेज का सीन है कि अभी एस फेज पूरा हुआ नहीं है लेकिन उससे पहले ये सीन था लेकिन आफ्टर एस फेज क्या हुआ व्हाट हैपेंड आफ्टर एस फेज चलो ये एक और ये इसका न्यूक्लियस आफ्टर एस फेज डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो गया यानी कि एक धागा जो तुम्हें ऐसे दिख रहा था क्रोमाटिन थ्रेड ऐसे दिख रहा था अब उसने अपनी कॉपी बना ली ऐसे दिख रहा है वो ठीक है कितने धागे थे फोर्टी सिक्स धागे थे ठीक है फोर्टी सिक्स क्रोमाटिन ने अपनी अपनी एक ऐसी कॉपी बना ली यानी कि अभी भी तुम्हें वो धागे दिख रहे हैं लेकिन वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में दिख रहे हैं मतलब बाद में जाके अगर मैं इसको क्रोमोजोम बोल भी दू चलो बोल दो तुम क्रोमोजोम पहले जो मुझे क्रोमोजोम दिख रहा था वो सिंगल थ्रेड वाला दिख रहा था सिंगल वाला दिख रहा था लेकिन बाद में जाके जब एस फेज हो गया तब बेटा एक क्रोमोजोम के पास कितने थ्रेड आ गए कितने थ्रेड बताओ पहले एक के पास एक थ्रेड थे अब कितने थ्रेड आ गए आपके पास दो थ्रेड आ गए क्रोमोजोम का नंबर तो फोर्टी ही रहा ना क्रोमोजोम का नंबर तो फोर्टी पहले फोर्टी सिक्स या 46 सिक्स क्रोमोजोम सिंगलटेड वाले फिर हर क्रोम ने अपनी एक कॉपी बना ली सिंथेसिस करना का डबल हो, हो जाएगा तो अब सीन पता है कैसा हो जाएगा अब सीन ऐसा हो जाएगा कि पहले एक क्रोमैटेड था अब इसके पास दूसरा ही बन गया एक था अब इसके पास बेटा दूसरा भी बन गया तो डीएनए ड्युप्लीकेशन हुई पर क्या क्रोमोजोम का नंबर चेंज हुआ बच्चों <coughs> क्या दिक्कत आ रही है यार मेरा तो वीडियो नहीं अटक रहा यस yes, बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया कॉन्सेप्ट समझ आया <coughs> कि अपने पास पहले 46 क्रोमोसोम क्रोमोजोम चलो तुम बोल लो वैसे सही नहीं है बोलना जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में बता रही हूं 46 क्रोमोसोम क्रोमोजोम थे विद सिंगल क्रोमैटेड विद सिंगल क्रोमैटेड अब बेटा जब एस फेज हो गया क्या हो गया एस फेज हो गया अब अपने पास बेटा 46 क्रोमोजोम ही है क्रोमोजोम नंबर सेम है बट विद टू क्रोमैटेड हर क्रोमोजोम के पास कितने हैं दो क्रोमैटेड हैं यस बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल रिमेन सेम तो मैं यहां एक लाइन लिख सकती हूँ क्या लिख सकती हूँ दैट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या रहेंगे सेम रहे ना धागे थे वो क्रोमोजोम बोलना है, बोल लो बट एक्चुअली में दिस इज अंगल क्रोमैटेन थ्रेड दुप्लीकेटिंग इट सेफ्फ देर वो फोर्टी सिक्स थ्रेड फोर्टी सिक्स थ्रेड डुप्लीकेटेड और ऐसे क्रॉस करके बैठ गए हैं सब तो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है बट अब हर एक क्रोमोजोम के पास कितने क्रोमेटेड है आपके पास दो तो क्रोमैटेड है तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल रिमेन सेम बट द डीएनए कॉन्टेंट इज गोइंग टू डबल डीएनए कंटेंट इज गोइंग टू डबल क्लियर है मतलब अगर इस सेल के पास 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए था कितना 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए था अब इस सेल के पास कितना हो चुका है 40 पिकोग्राम ऑफ डीएनए हो चुका है कितना हो चुका है 40 पिकोग्राम ऑफ डीएनए लेकिन अगर इस सेल के पास 46 सिक्स क्रोमोजोम थे क्रोमोजोम बेटा अभी भी कितने हैं फोर्टी ही हैं कितने हैं बच्चों फोर्टी ही हैं ठीक है जी चलिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है एस फेज की कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है डीएनए कंटेंट क्या होता है डबल होता है और भी बेटा इसमें और इवेंट्स हो रहे हैं सेंट्रीओल भी क्या करता है डुप्लीकेट करता है अब सेंट्रियोल होगा ही किसमें एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा ठीक नेक्स है नेक्स्ट आते हैं बेटा हिस्टोन प्रोटीन भी क्या करते हैं यहां पर सिंथेसाइज हो जाते हैं ये दोनों चीजें कहां पर हो रही है साइटोप्लाजम में हो रही है भैया डीएनए कंटेंट डबल तो न्यूक्लियस में ही होगा ठीक है लेकिन साइटोप्लाज्म में होता है एनिमल सेल के और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे कहां पर साइटोप्लाज्म में तो याद रखेंगे एस फेज के बारे में एस फेज के बारे में क्या याद रखा कि एक तो क्रोमैटिन डबल हो रहा है साथ ही में क्या हो रहे हैं आपके डीएन क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है बट डीएनए कंटेंट इज डुप्लीकेटिंग सेंट्रियोल इज डुप्लीकेटिंग ऑब्वियसली सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता है एनिमल में होता है और बहुत सारे प्रोटीन में बन जा रहे थे लेकिन कुछ प्रोटीन कहां पर बन रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन कहां पर बन है? में बन रहा रहा है है एस एस में इज दिस क्लियर क्लियर अब मैं अगले फेज में जाऊंगी बेटा ये मैंने जीवन बता दिया एस बता दिया अब बेटा हम गैप टू फेज में जा रहे हैं ठीक है गैप टू फेज में ठीक चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मूविंग ऑन टू जी टू फेज भैया G2 टू फेज के अंदर सेकेंड ग्रोथ फेस या फिर गैप टू फेस क्या नाम है इसका गैप टू या फिर सेकेंड ग्रोथ फेस ग्रोथ फेस ठीक है और बेटा ये माइटोसिस से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है एम फेज के पहले है या बाद में बताएंगे सब बच्चे बताएंगे जैसे मैंने G1 का नाम रखा था पोस्ट माइटोटिक फेज इसका नाम क्या रखे नाम बताओ मैंने G1 का नाम रखा था पोस्ट mitotic phase इसका नाम क्या रखू जी टू का नाम क्या रखू यस yes, बताओ हाँ जी पोस्ट माइटोटिक फेज मैंने इसका नाम रखा था तो उसका नाम क्या रखूं बेटा ये माइटोसिस से पहले हो रहा है माइटोसिस से पहले हो रहा है तो क्या नाम देंगे प्री माइटोटिक फेज इशारा समझ जाया करो इशारा समझ जाया करो दिस इज कॉल्ड एज प्री माइटोटिक फेस अब इसमें क्या हो रहा है इसमें कुछ ऑर्गेनलीज डुप्लीकेट हो रही हैं जो G1 में नहीं हो पाई थी वो कौन सी ऑर्गेनलीज हैं जिनका मैंने नाम बताया सेमी ऑटोनोमस माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और बेटा क्लोरोप्लास्ट हो गया ये दोनों क्या है सेमी ऑटोनोमस है साथ में गोल्जी ये दोनों क्या है सेमी ऑटोनोमस है इन दोनों इन तीनों की जो डुप्लीकेशन है वो जी टू में होती है तो याद रखेंगे mostly cell organelles G1 में डुप्लीकेट होती है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट हो रही है में है? में थे histone proteins S में है, लेकिन ट्यूबुलिन प्रोटीन ट्यूबुलिन की सिंथेसिस वो कब है वो कब है बेटा G2 में है ये चीज है और बेटा RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहां से रिज्यूम हो जाता है

क्रोमेटेड और बनाए यानी कि डीएनए कंटेंट को डबल किया लेकिन क्रोमोजोम का नंबर सेम रहा जी टू में अपने ने और, और जो तीन बच गई थी और जो प्रोटीन बच गया था ट्यूबुलिन उसको हमने डुप्लीकेट किया एंड साथ में आर और, और भी प्रोटीन बन रहे हैं जो जी में भी बन रहे थे ठीक है अब यार इस सेल साइकिल को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए कौन बताएगा सेल को कि अब तू तो इंटरफेस में जाओ अपू तो जी वन कर अपू तो जी टू कर यानी कि देर शुड बी समथिंग सेल साइकिल कोई तो रेगुलेट करेगा सीधी सी बात है यार सेल को हमारी बॉडी को इस तरीके से चलाने वाला कौन है हमारा ब्रेन ब्रेन के अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए दैट मीनस देयर इज समिंग विच इज कंट्रोलिंग ठीक है कमिंग टू द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल किस पे आ रहे हैं बेटा जी अपने रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल कोई तो प्रोटीन है बेटा कोई तो प्रोटीन है जो इसके लिए काम करता है एंड दैट प्रोटीन बेटा जी इज कॉल्ड एज काइनेजिस क्या नाम है बेटा इस प्रोटीन का काइनेजिस अब ये काइनेजिस अकेले काम नहीं करते हैं. ये बिल्कुल जीरो है दे डोंट वर्क अलोन दे नीड समवन वो होता नहीं बेटा मेरा दोस्त जाएगा तो मैं जाऊंगा मुझे वैसे तो डॉक्टर बनना है लेकिन मेरा दोस्त मेडिकल रख ले तो मुझे हौसला आ जाएगा वो रखेगा तो मैं भी रख लूंगा स यू आर डिपेंडेंट ऑन समा खुद का कुछ नहीं है आप अकेले कुछ नहीं हो जीरो अगर तुम किसी पर डिपेंडेंट हो तो वैसा ही काइन है अकेला जीरो डिपेंडेंट है बेटा किस पे इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका जो काम है वो डिपेंडेंट है साइकिल पे तो ये एक तरीके से साइकिल पर डिपेंडेंट है साइकिल पर क्या है बेटा डिपेंडेंट है ठीक है डिपेंडेंट हैं तो इनको बोला जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजिस जिसको शॉर्ट में तुम क्या बोल सकते हो सीडी के ठीक है सी डी के टू इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल साइकिल रेगुलेशन कि कौन बताएगा कि अब सेल को डिवाइड करना है इंटरफेज में जाना है माइटोसिस में जाना है काइनेजिस नाम के प्रोटीन लेकिन वो अकेले काम नहीं करते उनका जो काम है वो साइक्लिन पर डिपेंडेंट है किस पे साइक्लिन तो इसको सीडी के प्रोटीन बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजिस टू सबसे इंपॉर्टेंट है अब यार ये जो सेल साइकिल है इस सेल साइकिल में ना आपने रिले रेस देखी है हैव यू सीन रिले रेस किस किस बच्चे ने खेली भी है जो खेल के आया वो तो बताओ ठीक <laughs> है पूनम बेटा तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो हैं क्यों वेस्ट कर रहे हो यार अच्छा ना होता ना तुम टाइम ना वेस्ट करती बस मेरे तो सीधा सा फंडा है आप अपना टाइम वहीं बिताते हो जहां से आपको फायदा मिल रहा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा तुम्हारी तैयारी से हो रही है तुम टाइम यहाँ तभी बिता रहे हो बिकॉज यू आर गेटिंग बेनिफिट बाकी तो बेटा वही बात है अठारह लाख बच्चा है अट्ठारह का इस बार बीस बैठेगा फाइट छोड़ा है तुमने फाइट तो उस एक लाख में जो चुप करके बैठा है जो यहाँ पे बात नहीं कर रहा ठीक है जो चुप करके बैठा है बिल्कुल राइट तो रीले रेस में बारे में पूछ गई थी मैं जीत भी गई थी टीम हमारी अच्छा तो रिले रेस में आपने यार सुना होगा रेसेस के अंदर जनरली होता है चेक पॉइंट क्रॉस करने हैं अरे इसने फर्स्ट चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया ये टेन मीटर्स पे है सेकंड चेक पॉइंट ट्वेंटी मीटर्स पे है और सेकंड चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद लगता है कि यार ये तो ही जाएगा पक्का है ना तो ऐसे ही सेल साइकिल के अंदर भी दो चेक पॉइंट है उन चेक पॉइंट्स को क्रॉस करने के बाद हमें पता चलता है कि हां चलो अब सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा वो दो चेक पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला चेक पॉइंट है बेटा यहां पर जी वन और एस के बीच में सबसे पहला चेक पॉइंट है दूसरा चेक पॉइंट है जी टू और एम के बीच में ये देखो मैंने दो लोकेशन बनाई है, दो है कि एक, है। है? एक, एक चेक पॉइंट आता है जब सेल जी से एस में जाता है दूसरा चेक पॉइंट आता है जब सेल G2 से M में जाता है यानी कि मान लो अगर सेल ने इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया तब हमें लगता है कि अब तो सेल डिवाइड कर ही लेगा लेकिन अगर ये चेक पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ तो मतलब सेल डिवाइड करने की इच्छा नहीं रखता है सेल सेल चाहता चाहता है है मैं मैं फिर से रेस्टिंग फेज में चला जाऊं अभी मैं थोड़ा और इंतजार कर लूं मन करेगा तो दोबारा आऊंगा फिर डिवाइड कर लूंगा यानी कि पूरे इस साइकिल में देयर आर टू प्लेसेस जहां पे आपके चेक पॉइंट लगे होते हैं उसमें सेल का डिसीजन हो जाता है कि मुझे डिवाइड आगे करना है या फिर नहीं करना है तो हम बात करने वाले हैं चेक पॉइंट इन द सेल डिविजन चेक पॉइंट्स इन द सेल डिविजन दो चेक पॉइंट्स हैं इन चेक पॉइंट्स को बेटा ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं ट्रांजिशन पॉइंट्स मतलब इनको क्रॉस कर लिया तो समझ जाओ सेल डिवाइड कर जाएगा ये रेगुलेटरी पॉइंट्स भी है रेगुलेटरी पॉइंट्स भी है ठीक है दो चेक पॉइंट्स हैं यहां पर सबसे पहला मैंने कब बताया जी और एस के बीच में फर्स्ट वन इज फ्रॉम जी टू एस ठीक है सेकेंड वन इज फ्रॉम जी टू टू एम ठीक है इसमें जो मेजर चेक पॉइंट है वो कौन सा है मेजर बेट, वाला बेटा ये दिस इज मेजर वन इसको मैंने रेड कलर से कर देती ये देखो ये अपना मेजर चेक पॉइंट है कि मान लो अगर सेल ने इसको क्रॉस कर लिया ना तो मतलब अब सेल डिवाइड करेगा ही करेगा तुम तो मतलब देख के बता सकते हो अरे इसने पहला चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया इसके 90 परसेंट चांस है ये बंदा डिवाइड कर जाएगा ठीक है सो दिस वन इज गोइंग टू बी द मेजर वन एंड दिसनर चेक पॉइंट भैया दोनों आर सम कौन से दीज आर कंट्रोल्ड बाई जीवन साइक्लिन एंड सी डी के टू वो इसी चेक पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाई एम साइक्लिन एंड ऑल्सो सी डी के टू ठीक है जी वो ये दोनों इसको कंट्रोल कर रहे हैं अब यार अगर सेल के पास इसकी कमी हो गई देखो इस चेक पॉइंट को क्रॉस कराने के लिए सी डी के टू चाहिए जी वन साइक्लिन चाहिए ये वाले चेक पॉइंट की बात हो रही है बेटा जी वन टू एस इस, इस पॉइंट को क्रॉस कराने के लिए अपने को क्या चाहिए साइक्लिन चाहिए और सी डी के टू चाहिए सी डी के चाहिए अगर सेल के अंदर साइक्लिन नहीं बना या कम बना सी डी के टू कम बना तो यार सेल क्रॉस नहीं कर पाएगा सेल जीवन में चला तो लेकिन क्रॉस नहीं कर पाएगा नहीं कर पाया तो वो एक टेम्प्री सी इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा एंड दैट स्टेज बच्चों इज कॉल्ड एज जी नॉड स्टेज यानी कि अगर साइक्लिन और सीडीकेस प्रॉपर नहीं बने काइनेजेस प्रॉपर नहीं बने तो ये चेक पॉइंट क्रॉस नहीं होगा सेल मतलब नहीं जाना चाहता है सेल डिवीजन के अंदर वो एक और दूसरी स्टेज में चला जाएगा जिसको क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं जिसको जीनोड स्टेज भी बोलते हैं यहां पर लिखा हुआ बेटा ये सेल यहां से किस स्टेज में चला जाएगा सेल इज गोइंग टू एंटर टू जीनोड स्टेज सो वेन सेल इज अनएल टू क्रॉस द फर्स्ट चेक पॉइंट बताओ सेल इज अनएल टू क्रॉस द फर्स्ट चेक पॉइंट फर्स्ट चेक पॉइंट किसके बीच में और एस के बीच में है। तो बेटा सेल जी वन को एग्जिट करके चल जाएगा और सेल साइकिल रुक जाएगा सुनो मैं क्या कह रही हूं मैं कह रही हूं कि अगर बेटा काइनेजेस नहीं आए तो सेल ना जी वन को एग्जिट करेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गया हूं तो मैं कभी आऊंगा नहीं मेरा मन करेगा तो मैं वापस भी आऊंगा यानी कि सेल साइकिल को पॉज बटन करके गया पॉज का बटन पता ना कि मूवी देख रहे हैं बीच में मम्मी बुला रही है मूवी पॉज कर दो तो यहाँ पे सेल पॉज हो जा रही है पॉज का मतलब है सस्पेंड हो जा रही है <laughs> एग्जिट नहीं हो जा रही है सेल साइकिल से हमेशा के लिए नहीं चला गया बेटा इट कैन कम बैक ये देखो एनसीआरटी यहाँ पे कम बैक वाला साइन बना रही है मैं अभी तो जा रहा हूं लेकिन मैं वापस आ सकता हूँ कभी भी वापस आ सकता तो ये होता है बेटा बेटा में में जाना एक आया था इस पे, बड़ी हुई थी कि तो जाने के बाद क्या क्या हो 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 गया क्या cell cycle हो गया हो गया तो था, था। <scooping language> है बेटा कि में जाने का मतलब है सेल साइकिल नहीं हुआ है Pause हुआ है सस्पेंड हुआ है जीवन एग्जिट हुआ है जीवन से बाहर चला गया लेकिन से बाहर नहीं गया है ठीक है सेल साइकिल से बाहर नहीं गया तो मैं यहां लिख देती हूं अपने लोग अगले फेज पे आ गए हैं जिसका नाम है जी नॉड फेज ठीक है ये कब आएगा वेन सेल इज़ अनेबल अनेबल टू क्रॉस जी वन टू एस वाला चेक पॉइंट पहले वाला चेक पॉइंट बेटा नहीं क्रॉस कर पाया इन दैट केस क्या होगा द सेल इज गोइंग टू एग्जिट जी वन फेज जी वन से तो एग्जिट ले लेगा लेकिन सेल साइकिल को क्या कर देगा सस्पेंड द सेल साइकिल से एग्जिट कोई बच्चा नहीं बोलेगा क्या बोलोगे बेटा आप इसको कि इसने सेल साइकिल को सस्पेंड किया है एग्जिट नहीं किया पॉज किया यानी कि सेल वापस आ सकता है कभी भी सेल कैन कम बैक इफ द सेल कोज इन टू द जी नॉट फेज ठीक है जी याद रहेगा सबको <coughs> हाँ जी बेटा सही रहेगा सिमरन बेटा सही रहेगा मैं अगले हफ्ते ना बड़े बच्चों ने मुझे बोला कि मैम ट्वेल्थ शुरू करा दो ट्वेल्थ शुरू करा दो तो अगले हफ्ते अब मैं ट्वेल्थ ही शुरू करा रही हूँ एक बार आपका ये वाला चैप्टर सैटरडे को हो जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास का फर्स्ट एड शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन से कहा से शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन से ठीक है यस yes? हाँ ओके प्रीवियस स्लाइड बेटा आप मेरे नोट्स से देख लेना नोट्स में टेलीग्राम पे दे देती हूँ यहाँ पे वो प्लस की तरह नहीं होता है कि प्रीवियस स्लाइड जी तो ये स्टेट क्या है जी नॉट स्टेट क्या है बेटा स्टेज है है सबसे पहले inactive का मतलब ये नहीं है। फिर से वही बात इंटरफेस वाली इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है इनएक्टिव का मतलब बस ये है कि डिवाइड नहीं कर रहा ठीक है तो ये इनएक्टिव तो है लेकिन मेटाबॉलिकली देखें तो एक्टिव है ये अपना काम कर रहा है डाइजेशन रेस्पिरेशन अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं इसमें ओके जी यस <coughs> मतलब अगर सेल को वापस बुलाया जाए एक सेल मान लो जीन में चला गया ये देखो इधर बेटा सेल आपका जी में चला गया मतलब जब सेल को चाहे अपने लोग वापस बुला सकते हैं वी कैन कॉल डॉन द सेल टू कम बैक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये एनसीआरटी की जो कहती है कि सेल अगर एक बारी जी नॉड में चला जाएगा इसको कभी भी वापस बुलाया जा सकता है अपने डिवीजन करने के लिए ऐसा आपने क्या कहीं पढ़ा है कि सेल एक बारी डिवाइड करना चालू तो किया था बट फिर रुक गया फिर वापस आकर डिवाइड किया क्या कहीं आपने ऐसा देखा है मैं बता देती हूँ बॉटनी में ही देखा है जिसका थोड़ा सा दिमाग तेज काम करेगा वही बता पाएगा आपने बॉटनी में ही ये चीज नोटिस की है क्या नोटिस किया है बेटा कि सेल डिवाइड कर रहा होता है डिवाइड करते करते रुक जाएगा चला जाएगा परमानेंट होने के लिए फिर वापस आके डिवाइड करने लग जाएगा यस कहां पर देखा है <laughs> कहाँ देखा बताओ तुमने देखा है इसको बेटा आपने देखा है इसको मेरिस्टमैटिक सेल में आपको पता है मेरिस्टमैटिक सेल डिवाइडिंग सेल है तो चल रहा है चल रहा है डिविजन चल रहा है लेकिन सेल कई बार डिफरेंशियट भी तो कर जाते हैं सेल कर गए मतलब डिवाइड करना रुक गए और इन्होंने इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने बना लिया लिया वाला टिश्यू बना लिया क्या बना लिया बेटा बिल्कुल सही है पेरन वाला टिश्यू बना लिया अब पैरन डिवाइड थोड़ा करता है वो तो फंक्शन परफॉर्म करेगा अपना यानी कि पेरन इस समय कौन सी स्टेज में चल रहा है जी नॉट स्टेज में लेकिन बेटा इसका मन किया तो ये वापस आकर फिर से डिवाइड होने लग जाएगा यानी कि ये पैरन का अपना काम करके फिर से क्या शो करता है सेकेंडरी ग्रोथ आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या शो करी इसने डी डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन ठीक है डी डिफ्रेंसिएशन हुआ और यहां पर इसने क्या बना दिया सेकेंडरी मेरिस्टम तो बेटा ऐसी एग्जाम्पल हैं जिसमें सेल डिवाइड कर रहा था लेकिन फिर रुक के चला गया जी नोड के अंदर फिर जी नॉड से वापस एंट्री मारी इसने जीवान के एंड में और इसने अपनी सेल को पूरा किया यस yes, तो सेकेंडरी ग्रोथ बेटा इसमें इज द एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम इज द एग्जाम्पल ठीक है जी एक बार मैं आपको ये यह चीज यहां से पढ़ाना चाहूंगी कहा गया ओके अखे ये अपने ने कर लिया हाँ इसमें देखो बेटा सम सेल्स इन एडल्ट्यूमन डू नॉट अपियर और टू एग्जिबिट डिविजन एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीड टू रिप्लेस ड्यू टू लॉस ऑफ इंजरी दीस डू नॉट डि फर्दर एंड एग्जिट जी वन सेल्स आई कल एग्जिट नहीं हो रहा है बेटा एग्जिट क्या हो रहा है जी वन हो रहा है टू एंटर एंड इन एक्टिव मेटाबोलिकली एक्टिव है लेकिन डिवाइड नहीं कर रही तो इन एक्टिव है क्विसेंट स्टेज क्या बोलोगे बेटा इसको क्विसेट और जी नॉट से cells in this

उससे चलाओ यार काम ठीक है है ना बच्चों कोई बता दो यार डीजी रफ्तार को बता दो प्लेलिस्ट बनाई नहीं हुई बेटा आज बन जाएगी आज रिक्वेस्ट डाली है प्लेलिस्ट बाकी आप मेरे टेलीग्राम से जाके लाइन से उठा सकते हैं सब कुछ लाइन से उठा सकते हैं ठीक है यस हां जी चलिए अब बेटा एनसीआरटी कहती है क्या कहती कि है एनसीआरटी की जो एनिमल सेल है एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस किस सेल में होती है माइटोसिस

या फिर ओवा आगे माइटोसिस कर रहा है एक स्पर्म से बेटा दस स्पर्म बन गए एक से दो, दो से तीन नहीं स्पर्म में माइटोसिस नहीं होती स्पर्म मदर सेल के अंदर मियोसिस होके स्पर्म बनता है तो एनिमल सेल में तो क्या होता है माइटोसिस जनरली किस में होती है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होती है लेकिन ये बायोलॉजी है बेटा ये क्या है बच्चों बायो है बायो में एक्सेप्शन होते हैं एक्सेप्शन भी है एक एनिमल सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनिमल सेल में माइटोसिस हेपलॉइड सेल में होती है क्या एनी वन गैस दैट ऑर्गेनिज्म कैन यू गैस बेटा कि एक मक्खी चलो मक्खी बता देते हो कौन सी मक्खी है मधुमक्खी मधुमक्खी कौन है हनी बी हनी बी के अंदर जो मेल प्राणी है जो पुरुष है यानी कि जो ड्रोन है ड्रोन आपको पता है कैसे बनता है पार्थिनोजेनेसिस से बनता है यानी ड्रोन की जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है वो एन है भैया ड्रोन के सेल ने अब मल्टीप्लाई करना है तो वो तो माइटोसिस से ही करेगा ना तो ड्रोन के अंदर बींग सेल क्या होती है माइटोसिस ठीक है ड्रोन क्या था थाप्लॉयड था हेपलॉइड सेल में माइटोसिस जबकि बाकी सारे एनिमल्स तुम देख लो जो पार्थिनोजेसिस नहीं शो कर रहे ह्यूमंस में देख लो एनिमल्स में देख लो डिप्लॉड सेल माइटोसिस शो करता है एक्सेप्ट ड्रोन दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ड्रोन ठीक है अब प्लांट में ये तो सीन था यार एनिमल में लेकिन प्लांट की बात करी जाए <laughs> किसकी बात करी जाए बेटा प्लांट की बात करी जाए प्लांट की बात, बात करें तो यार प्लांट में और डिप्लॉयड दोनों में होती है द माइटोसिस अकर्स इन बोथ सेल याद करो बेटा एल्गी और ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज इज गैमिटोफिटिक फेज आपने प्लांट किंगडम में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा डोमिनेंट फेज गैमिटोफिटिक है तो यार उसमें जो माइटोसिस है वो हाप्लॉइड के अंदर होती है और प्लांट के अंदर माइटोसिस बेटा डिप्लॉइड वाले भी करते हैं वहां एक्सेप्शन वाली बात नहीं है टेरिडोफाइट्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं एंजियोस्पर्म्स हैं वहां डोमिनेंट फेज बेटा गैमेटोफिटिक नहीं है तो वहां पर जो माइटोसिस है वो डिप्लॉइड सेल करते हैं तो कोई भी कर सकता है प्लांट के अंदर कोई लड़ाई नहीं है लेकिन एनिमल में लड़ाई है एनिमल में जनरली डिप्लॉयड करता है समझा दिया है इस पैराग्राफ को मैंने आपको इंटरफेस so अभी खत्म नहीं हुआ मैं आगे अभी प्रूफ क्या कहते हैं एम फेज भी शुरू कराऊंगी बट क्या सबको इंटरफेस समझ आया इंटरफेस के बारे में सारी कथा कहानी समझ आ चुकी है कि सेल साइकिल क्या होता है सेल साइकिल में कितना समय लगता है ये देखो फिर मैंने बताया जो लेट आए बच्चे सेल साइकिल में कितना समय लगता है इंटरफेस के आगे कौन से फेजेज है जी वन में क्या हुआ एस में क्या हुआ फिर जी टू में क्या हुआ ब्यूटिफुल हैंड रिटन Notes. मेरी हैंडराइटिंग बेटा जैसे भी हो बट जो कंटेंट है वो पूरा ऑथेंटिक कंटेंट है जो कंटेंट है यही तुम्हें नीट क्रैक करा सकता है कोई पी क्यू लगा के देख लेना बेटा बता देना मुझे इस कंटेंट से तुम्हारा आंसर ना आए कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना जो एनसीईआरटी बेस्ड हो इसमें से तुम्हारा आंसर ना आए तो चेक पॉइंट जी नॉन फेज को ही बेटा क्या बोलते हैं क्विजसेंट स्टेज भी बोलते हैं मैं लिख देती हूं क्विजेंट स्टेज ठीक है वैसे इनएक्टिव है लेकिन मेटाबॉलिकली क्या है बच्चों एक्टिव है ठीक है अब अपने लोग चल रहे हैं 5% वाले पे 95% अपने ने तैयारी कर ली कितनी 95% फाइव प्रेपरेशन कर ली 5% पे आ जाओ मूविंग ऑन टू एम फेज मूविंग ऑन टू बेटा एम फेज एम फेज में आगे दो चीजें आती है पहला अपने लोग शुरू करेंगे केरियो काइनेसिस क्या शुरू करेंगे बेटा जी केरियो काइनसिस अब बेटा सेल कहां पर पहुंच चुका है सेल ने अपना डीएनए डुप्लीकेट कर लिया क्रोमोजूम का नंबर अभी भी कितना है 46 है

हाँ जी बता दो शुड वी स्टार्ट बेटा थक तो नहीं गए यार तुम यस थक तो नहीं गए ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थकना नहीं है थकना मना है ओके okay, मैम नहीं थकी तो तुम कैसे थक गए बताओ तुम कैसे थकोगे हाँ जी तो शुरू करते हैं बेटा प्रो फेज में एक एक फेज के सारे पॉइंट्स हम भी लिखते जाएंगे और एनसीआर से भी देखते जाएंगे को बेटा मैंने आगे कर दिया है 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 ने भी भी किया तो हमें भी करना पड़ेगा है ना early ठीक है? कि में में क्या क्या हुआ हुआ और अंत देखिए की बात करें तो पता कैसे चलेगा कि प्रोफेज स्टार्ट हो गया पता चलेगा व्हेन द कंडोजोम स्टार्ट्स तुम्हें पता है अब तक क्रोमोजोम ऐसे धागा था ठीक है क्रोम का थ्रेड था अब उसको धीरे धीरे पैकेज करना पड़ेगा कंडेंस करना पड़ेगा तो हाउ विल यू डिटर्मिन की स्टार्ट हो गया है बिगनिंग ऑफ प्रोफेज इज गोइंग टू स्टार्ट वेन देयर इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स बिगनिंग कैसे पता चलेगी बेटा कंडेंसेशन ऑफ कंडेंोमोजोम से पता चलेगी कि हां जी अब अपने एम के अंदर अर्ली प्रोफेज में आ चुके हैं तो ये मान लो तुम्हारा सेल है ये देखिए सेल के अंदर बेटा अभी न्यूक्लियस है थोड़ा थोड़ा है <coughs> अंदर क्या चालू हो चुकी है धीरे धीरे कंडेंसेशन हो रही है अभी प्रॉपरली खत्म नहीं हुई है चालू हुई है कंडेंसेशन ठीक है तो लिटिल बिट कंडेंसेशन हैज हैपेंड ठीक है लिटिल बिट कंडेंसेशन हैज हैपेंड साथ ही में बेटा हमें एंड्स ऑफ क्रोमोसोम ना ध्यान से नहीं दिख पा रहे वी कांट सी की प्रॉपरली एंड क्या है नहीं पता चल रहा क्योंकि धागे धागे बहुत सारे मैंने तो यहां दो ही बनाए हैं बट एक्चुअली बहुत सारे धागे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उनका का गोला हो कैसा लग रहा है बेटा ऊन का गोला हो द एंड ऑफ क्रोमोजोम दे आर नॉट क्लियर एंड ऑफ क्रोमोजोम अनक्लियर है ठीक है इसीलिए कैसा दिखाई दे रहा है बॉल ऑफ वूल बॉल ऑफ वूल और सिंस बेटा ऐसा लगता है कि उनका गोल है क्योंकि यार इमेजिन करो अभी तो दो धागे ऐसे 46 धागे न्यूक्लियस के अंदर पड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनका गोल गोला है जैसे उनमें में ऐसे ऐसे नहीं होता उन गोल गोल होती है वैसे ही दैट इज वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज स्पाइरीम स्टेज क्या बोलते हैं बेटा जी इसको स्पाइरीम स्टेज बोलते हैं ठीक है एसपायरिंग स्टेज बोलते हैं बेटा अंकित दे जी दिस इज अ वन वे क्लास दिस इज यूट्यूब क्लास यूट्यूब पे ऐसे डाउट्स नहीं हो पाएंगे तुम करते हो उस फैम तुम्हारा नुकसान है तुम लिख नहीं रहे हो द पर्सन हु इज कॉपी पेस्टिंग कॉपी पेस्टिंग कॉपी पेस्टिंग मतलब वो लिख नहीं रहा है लिख नहीं रहा है तो यार उसका नुकसान है जब तक मैं चैप्टर पूरा ना करा दूं तब तक तुम डाउट एक तो ना पूछो क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाले चीजों में आती है और अगर डाउट है भी ना तो बेटा अन अकेडमी की ऐप पे जाओ एक बड़ा अमेजिंग फीचर है आस्क का डाउट फीचर फ्री है कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए उस फ्री फीचर में जाके अपने डाउट की फोटो डाल दो वहां पे तुम्हें वीडियो में आंसर आ जाएगा यहां तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी इतने बच्चे हैं सबके डाउट्स पढ़ने लग गए तो बेटा अपना यह नहीं हो पाएगा ठीक है तो फोकस शुड बी ऑन राइटिंग फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग आज की क्लास से अगर तुम नाइन्टी भी ले गए वैसे तो अच्छा बच्चा हंड्रेड लेकर जाएगा लेकिन आज की क्लास से तुम नाइनटी परसेंट भी तुमने गेन कर लिया बेटा दोबारा जब सुनोगे ना रिवाइज करोगे हंड्रेड हो जाएगा लेकिन सुनो तो कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो कैसे चलेगा यार इसी में माहिर हो जाओगे कॉपी पेस्ट की जॉब नहीं करनी है लिखना है अभी नीट क्रैक करना है और फिर सर्जरी करने की जॉब करनी है 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 कि नहीं ना बच्चों चलिए <laughs> हाँ जी तो ये क्या है बेटा स्पाइरिंग स्टेज और इसको बॉल ऑफ फूल भी बोलते हैं एक तो ये हुआ कि थोड़ी कंडेंसेशन चालू हो गई है लेकिन अर्ली प्रोफेज में हमें दिख नहीं रहा है अच्छे से और साथ में बेटा यहाँ पर सेंट्रोजोम जो है सेंट्रोजोम क्या अराउंड आपको याद है सेंट्रोजोम इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रीओल्स याद आया इस तरीके से बेटा परपेंडिकुलर टू सेंट्रीओल्स होते हैं ठीक है इसके अराउंड क्या प्रेजेंट था बेटा पेरी सैटेलाइट याद आया पेरीसेंट्रीओलर सैटेलाइट है अब इस पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट से रेज निकलनी शुरू हो गई है क्या निकलनी शुरू हो गई है बेटा एस्ट्रल रेज निकलनी शुरू हो गई है क्या निकलनी शुरू हो गई है

इस पूरे को क्या बोलते हैं एस्टर तो सेंट्रोजोम प्लस एस्ट्रल रेज जब ये निकलती है इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं अपने लोग एस्टर तो यहां पर जरा देख के बताओ बेटा एक सेल के पास कितना एस्टर दिख रहा है कितने एस्टर है सेंट्रोजोम प्लस रेज आर कॉल्ड एज एस्टर तो तुम यहां पे ध्यान से देखोगे एक सेल के पास एक ये एस्टर है और एक ये एस्टर है है ना ये जो पेयर ऑफ एस्टर है ये भी बन गया, ये भी भी बन बन गया गया तो क्या बोलते हैं बेटा इसको अर्ली प्रोफेज तो में माइटोटिक अपरेटस बन गया है क्या बन गया है माइटोटिक सो वन सेल एक सेल के पास कितने एस्टर है दो एस्टर है और दिस पेयर ऑफ एस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वर्ड

सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल्स पे चले गए चले गए ठीक है कंडेंसेशन चालू हो गया हो गया कंडेंस हो गया मटेरियल हो गया ईच क्रोमोजोम ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स टू रिलीज एस्टर ये वर्ड लिखा हुआ बेटा वर्ड एनसीईआरटी में दिस इज कॉल्ड एज एस्टर एंड द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर दे विल फॉर्म माइटोटिक एपरेटस तो माइटोटिक एपरेटस किससे बनता है पेयर ऑफ एस्टर विद द स्पिंडल फाइबर्स ठीक है बेटा चलिए तो ये बात हो गई आपके अर्ली प्रोफेज की अब धीरे धीरे बेटा जब प्रोफेज चल रहा है ना न्यूक्लियस की मेब्रेन भी गायब हो रही है न्यूक्लियस बेटा खत्म हो रहा है सो बाय द टाइम यू विल रीच लेट प्रोफेस कहा तो नहीं गए थकना मना है थकना मना है मैं दो तीन फेज तो करा के छोड़ूंगी लेट प्रोफेज लेट प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टोटली गायब ये रहा सेल ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं <laughs> गायब कर दो तो। ठीक <laughs> है धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गई है मतलब एम फेज की स्टार्टिंग में मुझे पता चल जाएगा एम फेज का मैं कैसे गैस करूंगी जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो जाएगी मैं समझ जाऊंगी कि एम फेज अगला फेज मेटा फेज आपका स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे आ चुका है सेंट्रियोल टू द ऑपोजिट पोल ठीक है तो मैं यहां पर बना देती हूँ ये अपने ने सेंट्रियोल बनाया है ऑपोजिट पोल पे चला गया है ये देख लो चला गया स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं यहां से ये देखिए क्या निकल चुका है बेटा स्पिंडल फाइबर फाइबर इट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गई है और साथ में बेटा क्रोमोजोम अब कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं सेंटर में सेंट्रोमियर दिख रहा है कंप्लीट कंडेंसेशन अब धागा नहीं है बेटा ये अब बेटा क्रोमोजोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुका है ये देखो ऐसे बन जाएगा किस कलर से बनाया था ग्रीन कलर से बनाया था उसी से बना लेते हैं ये देखिए पूरा ऐसे दिख रहा है जिसमें सेंटर में ऐसे सेंट्रोमियर भी है अब तुम्हें पता है एस फेज होने के बाद एक क्रोमोजोम के पास कितना क्रोमेटेड है दो क्रोमेटेड है तो ऐसा ही दिख रहा है प्रॉपर कंडेंसेशन है जिसमें सेंट्रोमियर तुमको क्लियरली दिख रहा है ठीक है क्लियरली तुमको सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है ठीक है जी ओके एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस में सब गायब हो चुका है सो देयर इज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब मतलब न्यूक्लियस का को कोई अस्तित्व नहीं बचा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी डिसअपियर सब गायब हो गए ठीक है अपने ने इसको क्या कर दिया बेटा गायब कर दिया है क्योंकि स्पेस चाहिए ना बेटा आगे की डिवीजन कराने के लिए अपने को स्पेस चाहिए तो पूरा साइटोप्लाज्म अपना हो गया अब इस साइटोप्लाज्म में जो करना मारना मार लो ठीक है जो करना कर लो ठीक है बच्चा हाँ ये टू एंड फोर सी फोर एंड फोर सी ये सब मैं कल दिखाऊंगी लेकिन मैं पहले लिख लू पहले मैं तुम बता दूं कि हो क्या रहा है काउंटिंग अपने कल करेंगे जब माइटोसिस पूरी हो जाएगी तो प्रोफेज में फटाफट पट से रिवाइज कर लो प्रोफेज को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया अर्ली एंड लेट अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ कंडेंसेशन चालू हुई लेकिन अभी भी ऊन के गोले की तरह है स्पाइरिंग स्टेज इसको बोलते हैं ठीक है जी साथ ही में बेटा एस्टर बन चुका है एस्टर का मतलब है सेंट्रोजोम अराउंड जो पेरिसेंट्रिओलर सैटेलाइट थी वहां से थोड़े-थोड़े स्पिंडल फाइबर निकलने शुरू हो चुके हैं तो इसको बोलते हैं अपने माइटोटिक अपरेटस दो माइटोटिक अपरेटस बन चुके हैं ठीक है जी दो एस्टर बन चुके हैं ठीक है पेयर ऑफ माइटोटिक अपरेटस साथ में लेट प्रोफेज में बिल्कुल न्यूक्लियस की मेंब्रेन गायब कंडेंसेशन पूरी हो चुकी है अब तुम देख सकते हो कि यार ये है जब कंडेंसेशन पूरी हो गई स्पिंडल फाइबर ऊपर सेंट्रो प्रॉपर पोल पे चले गए स्पिंडल फाइबर बनने यहाँ पर चालू हो गए और ये मेजर ऑर्गेनोलिज भी गायब होगी अगली जो स्टेज आएगी प्रोफेज से यस बच्चों, द नेक्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी मेटाफेज मेटाफेज क्या बोलोगे बेटा इसको मेटाफेज अब मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम के काइनेटोकोर तुम्हें पता है यार यहाँ पे काइनेटोकोर होता है क्रोमोजोम के कोर से स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ जाएगा दिस इज मेटाफेज प्रोमोजोम एक प्लेट की फॉर्म में सेंटर में अरेंज हो जाएंगे लेट मी ड्रॉ तो ये अपना सेल है हां जी तो ये बेटा सेल है न्यूक्लियस तो नहीं बनाएंगे क्योंकि है ही नहीं है ना ये अपने पास स्पिंडल फाइबर्स के लिए समान है सेंट्रोजोम है। अब यार जो अपने क्रोमोसोम है ना दे विल अरेंज लाइक दिस ये देखो प्रॉपर क्रोमोसोम बन चुके हैं विद दर सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर के अराउंड बेटा आपको पता है डिस्क है किसकी है कोर की तो स्पिंडल फाइबर निकले और स्पिंडल फाइबर ने ये इसके बेटा काइनेटो कोर है मान लो इस कलर से बना देते हैं ये बेटा इसके काइनेटो कोर है प्रोटिनेशियस डिस्क होती है ना तो स्पिंडल फाइबर विल नाउ अटैच दम टू द काइनेटो कोर ऑफ द क्रोमोसोम देख रहे हो बेटा काइनेटो कोर से जाके जुड़ गया ठीक है क्रोमोजोम ने अपने आप को ऐसे एक प्लेट में अरेंज कर लिया इक्वेटर पे मान लो ये अर्थ है अर्थ की तरह है, सेंटर में क्या होता है इक्वेटर होता है इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर गए यानी कि एक प्लेट सी बन जा रही है जिसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं जिसको मेटाफिजिक प्लेट भी बोलते हैं और स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच हो जा रहे हैं क्या आप देख के बता सकते हो कितनी कितनी प्लेट्स बनेंगी यहाँ पर हाउ मेनी मेटा मेटाफिजिक प्लेट्स वुड बी फॉर्मड इन ह्यूम कैन यू टेल मी द नंबर मैं यहां पर लिख रही हूँ कि क्या क्या हुआ स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर अटैच टू द कानेटो कोर, कोर का स्पिंडल फाइबर बस मिटम मेटाफेज ही करेंगे एना और टीलो कल करेंगे मैं रिवाइज कराऊंगी लेकिन अभी मेटाफेज तक कर लो ठीक है जी एना और टीलो कल करेंगे एक चीज तो अच्छे से कर लो फिजिक्स की क्लास नहीं रुकेगी डोंट वरी दो मिनट का ही रह गया है ना स्पिंडल फाइबर अटैचेज टू द कानेटो ऑफ सेंट्रो काइनेटो ऑफ क्रोमोजोम बुलवा दे रहे हो यार तुम मेरे को क्रोमोजोम बेटा कहाँ अरेन्ज हो गए हैं एक इक्विटोरियल प्लेट पे इसको क्या बोलोगे इक्विटोरियल प्लेट कितनी प्लेट बननी है मैंने पूछा तुमसे दिस होल प्लेट बच्चों इज कॉल्ड एज इक्विटोरियल प्लेट दिस इज मेटाफेजिक प्लेट और द इक्विटोरियल प्लेट कितनी बनी है बेटा एक ही बनेगी कितनी बनी है बेटा एक एक ही बनेगी ठीक है 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 ये ये तो तुमने करते है, Plate 8 है। ये बता दो human being के एक cell में जो कर कर रहा कितने कितने Count कर लो नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जरा काउंट करके बताइए बता दो हाउ मेनी स्पिंडल फाइबर्स यस बताइए कितने स्पिंडल फाइबर्स सिक्स स्पिंडल फाइबर ध्यान दो हाउ मेनी स्पिंडल फाइबर्स आर सीन इन द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस माइटोसिस ही चल रहा है स्पिंडल फाइव माइटोसिस अपने कर रहे हैं मेटाफेज ऑफ माइटोसिस हां जी बेटा कितने भैया ये माइटोसिस चल रहा है यहां पे तीन क्रोमोजोम पे एक दो तीन चार पांच छे तीन क्रोमोजोम पे अगर स्पिंडल फाइबर्स हैं तो अपने पास तो 46 हैं, 46 पे स्पिंडल फाइबर नहीं हो जाएंगे हो जाएंगे जाएंगे बच्चों कितने वाले बच्चे तो महा और ही ऊपर चल रहे हैं यहाँ पे तीन क्रोमोजोम मैंने बनाए हैं तीन पे छू थ्री फोर फाइव सिक्स तीन पे अगर छे हैं तो फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम बेटा माइटोसिस अभी करनी है सेल ने करी नहीं है अभी डिप्लॉयड ही है

और मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोम क्योंकि बेस्ट दिख रहा है यार कंप्लीट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सेंटर पे लगे हुए इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं तो अगर तुम्हें क्या डिस्कस करना है क्या स्टडी करना है अगर शेप स्टडी करना है साथ ही में बेटा तुम्हें स्ट्रक्चर स्टडी करना है किसका किसका बेटा शेप और स्ट्रक्चर स्टडी करना है ऑफ क्रोमोजोम तो तुम किस स्टेज पे आके देखोगे मेटा फेज पे देखोगे मॉर्फोलॉजी शेप तो अपने एनाफेज में देखते हैं यस 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 मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट स्टेज इज गोइंग टू बी मेटाफेज शेप देखने हैं कि यार मेटासेंट्रिक है सब मेटासेंट्रिक है टीलो है एक्रो है उसके लिए अपने एनाफेज में जाना पड़ेगा वो मैंने तुम्हें सेल चैप्टर में बता दिया था ऐसा क्यों होता है बट अगर तुम्हें मॉर्फोलॉजी देखनी है अगर तुम्हें बेटा स्ट्रक्चर देखना है क्रोमोजोम का तो बेस्ट कंडेंसड फॉर्म में मिलती है तुमको मेटाफेज में ही मिलती है ठीक है यस yes, बता दो <laughs> तो एक बात यार एनसीईआरटी क्या कहती है एनसीआरटी कहती है कि जब ट्रांजिशन हो रहा है मेटाफेस में तब ना ये स्पिंडल फाइबर कोशिश कर रहे हैं काइनेटोकोर से जुड़ने की काइनेटोकोर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेटाफेस में आके कंप्लीटली जुड़ जा रहे हैं ये देखो यहां पर लेट मी शो यू जी ये देखो ये फोटो देखो इन्होंने एक फोटो कौन सी बनाई है ट्रांजिशन टू मेटाफेज ट्रांजिशन में बेटा आर ट्राइंग टू ज्वाइन टू द काइनेटोकोर बट कंप्लीट जब मेटाफेज आ चुका है तब बेटा ये सारे स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके हैं क्रोमोजोम हो चुके हैं एंड प्लेट बन चुकी है टोटल 92 स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं अगली स्टेज में अपने तोड़ के इनको अलग कर देंगे यहाँ पे साथ में फोटो देखिए अर्ली प्रोफेज की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूट रही है धीरे धीरे क्या हो रही है टूट रही है लेट प्रोफेज में भी कंप्लीट डिस्पियरेंस नहीं बोलोगे ऑलमोस्ट हो जाता है वैसे एंड में बट फिर भी अभी टूटी नहीं है बिल्कुल मतलब मरी गिरी स्टेज में आ चुकी है लेकिन मेटाफेज में जाके मेटाफेज की बिगनिंग में ही तुम बोल दो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खल्लास ठीक है बच्चों क्लियर हो गया ये बात क्लियर हो गया तो ये बात होगी बेटा की और प्रोफेस की अब मैं चाहूंगी कि बेटा ये वाली जो लाइन है ये जो पैराग्राफ्स हैं ये आप एक बारी घर पे यानी कि क्लास के बाद इसको रिवाइज करें बचा हुआ एनाफेज साइटोकाइनोसिस माइटोसिस का बचा हुआ हिस्सा एंड मियोसिस वन की शुरुआत हम कल करेंगे तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों आज हमने ने बहुत अच्छी चीजें डिस्कस की पहले हमने ने पूरा इंटरफेस पढ़ लिया इंटरफेस करने के बाद हमने माइटोसिस शुरू की एंड एंड माइटोसिस में वी वी स्टार्टेड विद द द प्रोफेज देन डिड मेटाफेज ठीक है क्या आज का सेशन सबको समझ आया जिसको आया यार फटाफट पड़ से सेशन को लाइक करके बता दो फटाफट पड़ से सेशन को लाइक कर दो यार अच्छा लगा और बेटा अन में जो बच्चा एनरोल नहीं करा वो जरूर करे बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है चैप्टर ये बिल्कुल ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसको बस नहीं भी देखा ऊपर ऊपर से देखा तो हो जाएगा नहीं बेटा इसके लिए आपको मेरी हर एक वर्ड को हर एक लाइन को बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा तभी हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा नहीं तो तुम इससे डरते रहना हमेशा डरते रहना बट मेरा दावा है बेटा अगर आपने जीरो टू हंड्रेड क्लास लगाई है जितने बजे हमने शुरू किया था तो और एंड कर रहे हैं पूरी क्लास लगाई है हो ही नहीं सकता बेटा आपको ये चीज समझ ना आए एक बार दोबारा रीड करना पड़ेगा हो सकता है कुछ पॉइंट दोबारा रिकॉर्डिंग में सुनने हो यूट्यूब की तो रिकॉर्डिंग रहती ही है और साथ में बेटा आपको क्या करना रहेगा एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड करनी रहेगी हो जाएगा इतना हां जी अब जिस बच्चे ने अनसैड में एनरोल नहीं किया है फटाफट से बेटा जाके सबसे पहले तो ये काम करो अनसैड इज मस्ट 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 फॉर एवरी वन मात्र नाइन्टी नाइन रुपीज का टेस्ट है उस पर भी टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा सी प्लाइट बोर्ड लगाने से और मैं चाहती हूं हर बच्चा अपना रैंक मुझे बताए गिफ्ट इज अ सेपरेट थिंग मैं प्रिपेयर भी करा दूंगी तो मुझे कमेंट में बता देना अगर तुम चाहते हो कि मैं अनसैट के लिए प्रिपेयर करा दो मैं करा दूंगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपना रैंक लेके आओ बिकॉज आई वांट टू सी यू इंप्रूव अगर हमें अपनी जगह ही नहीं पता तो क्या इंप्रूवमेंट हमें लग रहा है हम बहुत कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं बेटा जब टॉपर के साथ बैठोगे ना ट्वेंटी के टॉपर के साथ तब पता चलेगा हम कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है हाँ तो एट्थ और फिफ्टींथ को ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी मर्जी से भर देना साथ ही में बेटा संडे को आयल बी देयर एट नोएडा सेंटर 11 बजे सुबह मेरे से मिलने आ सकते हो सारे दिल्ली वाले बच्चे जरूर आएं session, करेंगे एक साथ आपकी भी जो भी भी, वो भी करेंगे। और बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता जो कंपनी है कि छब्बीस तारीख को क्या होने वाला है मैं भी खुद सोच रही हूँ यार चार दिन के बाद क्या होगा आई एम ऑल्सो थिंकिंग बिकॉज आई डोंट नो कुछ तो है यार बड़ा होने वाला है ठीक है 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 बेटा मेरा बैच 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 चल रहा है, बैच का नाम <laughs> ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र मूवी तो अब तुमने देख ही है है ना ब्रह्मास्त्र मूवी के साथ हमारा बैच भी लॉन्च हुआ है अभी मूवी भी अभी पंद्रह तारीख को आई है बैच भी पंद्रह तारीख को आया तो अभी मैंने उसमें जेनेटिक्स शुरू किया बच्चों आप उसमें एनरोल कर लीजिए कोड लगाइएगा सी प्लाइफ फॉर माई में बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एंड साथ में जितने भी और बैचेस है ना कुछ भी बैच ले लो सारे बैच आप उससे अटेंड कर सकते हो और अगर तुम सीबीएससी के साथ सब्सक्रिप्शन लेते हो कॉम्बो बनाते हो नीट आ, प्लस आ, प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस सीबीएससी या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सीबीएसई तो बेटा आपको मिलता है अपटू थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ ये ऑफ के लिए भी बेटा कोड लगाइएगा सी एक ही कोड है मैम का कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक है सेंटर्स no ओपन हो चुके हैं कहा मिलेंगे बेटा अपने नोएडा सेंटर में संडे को पच्चीस सितंबर को सुबह ग्यारह बजे बेटा नोएडा सेंटर में आ जाना कहा आएंगे नोएडा सेंटर में <laughs> <laughs> क्या स्केड्यूल चेंज कर दे बेटा हाँ मूवी देख ली है और ये फ्लॉप भी घोषित कर दी है इन्होंने मूवी में बड़े चालू है यार

ये तो फ्री है नोएडा सेंटर में मेरे से आके मिलो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है संडे को मिलेंगे ग्यारह बजे आ जाना बस ठीक है और अनसेट में आ जाइए अनसेट में एनरोल कर लीजिए लिंक मैंने पिन करवा दिया है चैट बॉक्स में ठीक है सिलेबस भी बेटा इसी लिंक पे इसी लिंक पे पता चल जाएगा सिलेबस क्या नाइन टू ट्वेल्थ सब बच्चे दे सकते हैं चलिए बाय बाय सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना कल हम बाकी का माइटोसिस फिनिश करेंगे समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट जरूर लिख के बताना एंड बताना कि यार अनसेट आप मेरे से प्रिपेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ओके चले बाय बाय गाइस टेक केयर